सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नए साल 2024 की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमारे वीडियो के साथ बने रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए फिर से पहुंच चुका हूं चंपारण में और चंपारण के रथ फैक्ट्री में। और यहाँ से दोस्तों इस बार भी आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ मैं अलग अलग टाइप के रथ। जैसे आप सभी लोग जिस टाइप के भी रथ खरीदना चाहते हैं, चाहे वो पद्मावत रथ हो, बाहुबली रथ हो या ट्रिपल आर जो मूवी आई थी उस मूवी की रथ लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के रथ लेना चाहते हैं, तो सारा कुछ रथ आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। कैसे खरीदारी कर सकते हैं, क्या कुछ प्रोसेस है, सब कुछ बताने वाला हूं। तो आज हमारे साथ रहेंगे यहां के ऑनर, सारे कुछ डिटेल्स देने वाले हैं। तो आइए सर, कैसे हैं सबसे पहले बताइए। बहुत बढ़िया। और सबसे पहले आपके जो भी व्यूअर लोग हैं, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जो है आप लोगों के लिए बहुत सारा मतलब कि चीजें जो है दिखाएंगे हम, कुछ फैक्ट्री के अंदर भी लेके चलेंगे। अभी जो है ये बाहर का है और काम जो है अंदर ओवर होने के कारण जो है काम जो है बाहर भी चल रहा है, तो अंदर की भी कुछ चीजें आप लोगों को दिखाएंगे, क्या क्या नए आइटम जो है हमारे यहाँ आप बनने लगे, ठीक है। वो सारी चीजें की जानकारी भी मिलेगी और आपके लिए मतलब कि एक बहुत सा नए साल में मतलब चेंजिंग हुई है, चेंजिंग क्या बहुत मतलब कि चेंजिंग करके हम लोगों ने इस रथ को बनाया है और काफी सारी जो है इसमें चेंजेस देखने को मिलती है और बहुत जगह से कंप्लेन आता है। और मेरा सॉल्यूशन भी रहेगा कि आप लोग भी कहीं से व्हाट्सएप पे हाई करके किसी भी कंपनी से आप लोग फोटो मंगाते हैं तो उस फोटो की आप सही जांच जरूर करें, क्योंकि आज जो है लोग अपने ब्रांड का क्वालिटी कुछ और बनाते हैं और कुछ और लोगों का जो उच्च क्वालिटी की गाड़ियां जो बनती है उसकी फोटो आपको दिखाते हैं और अपने यहाँ लोग बुलाते हैं। तो आपके पास अगर कोई भी फोटो जाता है, किसी भी कंपनी से फोटो जाता है, आप उसकी सही जांच करें। हमने कई बार देखा था कि मेरे कंपनी का फोटो जो है कई लोग भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे और कस्टमर जो है घूम रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर रियल वहाँ की वीडियो या कुछ ऐसे आप लोग देखने की कोशिश कीजिए ताकि पता चले कि यहाँ ये लोग क्या क्वालिटी बनाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रेट कम बता देते हैं, क्योंकि उनके क्या करना है कि किसी भी रेट में जो है कस्टमर को पकड़ना है, किसी भी मटेरियल में दो पैसा कमा लेना है। ये बिल्कुल, तो ये चीजों को ध्यान आप लोगों को रखना है, क्योंकि सर कोई भी अपने घर से आपको लगा के नहीं देगा, 10 रुपया कोई कमा के देगा, हम हो या कोई भी हो, तो इन चीजों का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बाकी बात करें इस रथ की, तो इसमें खास बात यह है कि इसमें जो रेलवे वगैरह में यूज होता है चक्कर प्लेट, जो एल्युमिनियम का चक्कर होता है, ये चीज किया गया है और ये जो है कम से कम आपको 50 साल में कहीं ना कहीं खराब होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि एल्युमिनियम की है और जितनी पैर पड़ेगी इसके फर्श पे उतना ही ये फर्श जो है चमकता रहेगा और ये भी जो है क्वालिटी होती है, इसको धूप पानी वर्षा से सहने गलने वाला बिल्कुल ओरिजिनल एल्युमिनियम है ये। और बाकी इसकी साइडों की बात करें तो पूरी की पूरी कलर शीशे का इस्तेमाल इसमें बेहतरीन किया गया है और इसकी जो है लाजवाब लाइटिंग जो है रातों को आपको दिखेगी। और आप भी चाहते हैं कि अनेकों प्रकार की डिजाइनिंग, अनेकों प्रकार के रथ की वीडियो हम देखें, तो आप मेरी कंपनी के चैनल पे भी जाके हमने जो भी नई डिजाइनिंग की रथ बनाई है वो हमने डाली है वहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए, ताकि आप भी अपने क्षेत्र के अनुसार एक अच्छी सी डिजाइनिंग को सिलेक्ट कर सके। अच्छा सर, चलिए इस रथ को तो आपने बताया, हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट भी कर दिया है। जैसे अभी जो 2023 साल चल रहा था, 2024 अभी स्टार्ट हो चुका है, जो भी हमारे व्यूअर्स लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो रथ की अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो कम से कम उनके पास कितना पैसा होना चाहिए? और अभी जो है हर प्रकार की लोग गाड़ी देखिए हमारे कर लेते हैं, तो कुछ फाइनेंस वगैरह के बारे में भी समझा दीजिए। जी, हमारे यहाँ फाइनेंस की सुविधा हो जाती है, लेकिन अगर आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है तो हम लोग MI करवा देते हैं। अच्छा, ठीक है। बाकी कोई फंसने फसाना वाला ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है कि आपसे हमने एडवांस ले लिया और बाद में बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा है, जो चीज होगा हम फाइनल पहले ही आपको बता देंगे क्लियर। अगर आपको मतलब कि एस्टिमेट अपना बनाइएगा, अगर होता है तो बनवाइए, नहीं तो फंसने वाला कोई काम नहीं कीजिए, काम नहीं होता है। कम से कम क्या कुछ प्राइस बजट होना चाहिए? हमारे यहाँ तो रथ के लिए आप जो है मैक्सिमम 2 लाख से हमारे यहाँ प्राइजेज स्टार्ट हो जाती है, 2 लाख से लेके ऊपर तक, मतलब कि क्वालिटी बनवाने का और महंगा बनवाने का भी कोई और नहीं होता है। लेकिन बिजनेस अगर आप लोगों को स्टार्ट करना होता है तो हमारे यहाँ बहुत सारी आइटमें बनती है, डोली, पालकी, छतरी लाइट, टॉय लाइट, फाइबर के स्टेज, तो आप हमारे यहाँ आते हैं और आप लोग से मतलब कि हमसे पूछते हैं हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप लोगों को मतलब कि 40 से 50 हजार में भी अच्छा बिजनेस आप लोग कर सकते हैं। और जो है अगर रथ चलवाना चाहते हैं आप लोगों को 2 लाख से ऊपर मतलब कि पैसा खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो देखिए सर कम से कम रेट में 1.5 लाख पौने 2 लाख में भी गाड़ी
बना के देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सर वो आप लोगों के लिए बेकार है, क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। अगर एक रथ बनवा के ले आते हैं, 5 साल तक आपके पास नहीं चलता है, 7 साल तक आपके पास नहीं चलता है, कहीं ना कहीं आपका पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा, तब तक इसकी क्वालिटी जो है मतलब बेकार हो जाएगी। तो मार्केट में कहीं ना कहीं ये ऐसी चीजें हैं जो कि लोग आते हैं और पूछते हैं कि इनके पास सबसे अच्छा है, उन्हीं के पास चला जाए, क्योंकि शादी में लोग मतलब कि क्वालिटी को बहुत ज्यादा देखते हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान आप लोगों को रखना है। अच्छा सर, मान लीजिए कि अगर कोई मेरा व्यूअर इस रथ को खरीदता है, 2 लाख रुपए बता रहे हैं, तो 2 लाख रुपए ये फाइनल प्राइस है या उसमें कुछ कम वगैरह करेंगे, या अगर ये बनवाना चाहते हैं तो? 2 लाख से हमारे यहाँ प्राइजेज स्टार्ट है, ऊपर तक की प्राइजेज है, बाकी आप मेरे दिए गए टोल फ्री नंबर पे आप व्हाट्सएप करके। कम से कम उनके पास क्या कुछ बजट होना चाहिए, जैसे एडवांस के रूप में जमा करके? या देखिए, आप हमारे यहाँ गाड़ी देते हैं 10,000 रुपया भी, 5,000 जमा करके आप बुकिंग करवा सकते हैं, गाड़ी बनवा सकते हैं। बाकी जो है गाड़ी जब 15-20 दिन का टाइम आप लोगों को मिलता है, गाड़ी बनने के बाद में आप लोग फाइनल पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जो आपने बता रहे हैं जैसे कि, तो 2 लाख रुपए प्राइस जो बता रहे हैं, तो उसमें गाड़ी पार्टी का होगा या आप खुद देंगे? जी, गाड़ी देना होगा पार्टी को। अगर गाड़ी सहित मेरे यहाँ से लीजिएगा तो मैक्सिमम आप लोगों को 2.5 लाख से 3 लाख रुपया आएगा। 3 लाख रुपया, ये रियल बातें हम बता रहे हैं और सही क्वालिटी मटेरियल की बातें बता रहे हैं। कम दाम में बनाने का कोई और नहीं है, हम लोग उससे दाम में बनवाने का कोई फायदा भी नहीं है। मेन चीज ये है कि देखिए सर, मार्केट में जो है हर मटेरियल सस्ता से सस्ता है और अच्छा से अच्छा है, तो अच्छी क्वालिटी की जो है रथ बनवाइए, ताकि आप जो है कुछ लॉन्ग टाइम तक उससे पैसा अर्निंग कर पाए। चलिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऑफिस के अंदर भी ले चलता हूं, और जहां मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है सब कुछ मैं आप लोगों को दिखा। हमारे यहां रॉथ के रो मटेरियल आप होलसेल का भी काम है बहुत बड़ा, आप लोग होलसेल रेट में भी ले सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं इधर आप पूरी फैक्ट्री है अंदर, ठीक है। अभी आज 1 जनवरी है और आप जो है बहुत सारे लोग आज जो मतलब की नियर वाइज के जो लोग है थोड़ा सा काम करते हैं वो लोग थोड़ा सा आप लोग को करीब से थोड़ा सा दिखाता हूँ कि अभी क्या कुछ क्वालिटी चल रहा है और काम वगैरह भी चल रहा है। देख सकते हैं आप लोग, देख रहे हैं यहाँ पे कारीगर लोग लगे हुए हैं और एक शीशे की काम जो चल रहा है काफी। यहाँ पे आप लोग को जो भी काम मिलता है ना, एकदम एक नंबर का, पूरे बिहार में ऐसी कंपनी आप लोग को नहीं मिलने वाला है। मैं इसलिए आप लोग को बार बार यहाँ पर लेकर पहुँचता हूँ ताकि आप सभी लोगों को यहाँ से अच्छे खासी रेट के साथ और नंबर वन मटेरियल के साथ। हमारा खुदरे जो ग्राहक आते हैं उनके लिए ये गोदाम है, ये ऑफिस के पास है, ठीक है। बाकी जो हमारा होलसेल का काम होता है, हमारे ऑफिस के बाहर 10 से ऊपर मेरे गोदाम है। अच्छा, ये कौन सा एरिया है? ये ऑफिस का एरिया है और यहाँ से जो है मतलब कि लोग जो है जो खुदरा लोग आते हैं, जैसे थोड़ी थोड़ी जो चीजें लेनी होती है अपने रथ वगैरह पे लगाने के लिए, अपना कुछ पुराना मॉडिफाई करा रहे हैं उनके लिए, और जो लोग थोक में काम करते हैं उनके लिए भी हमारे यहाँ सुविधा है, उनका अलग रेट होता है। तो जैसे मान लीजिए कि आप अगर हमारे यहाँ थोक में भी माल लेते हैं रथ का रो मटेरियल वगैरह, तो हमारे यहाँ A to Z आइटम यानी आपसे जुड़ के वो लोग यहाँ से माल की खरीदारी करके बिजनेस भी कर सकते हैं और बनाए बनाए रथ भी खरीद सकते हैं। बाकी हमारे स्टेज वगैरह की बात करें तो स्टेज में क्या स्टार्टिंग प्राइस हो जाती है? आगे हम लेके चलेंगे आपको जहाँ रथों का पूरा काम चलता है, यहाँ फाइबर का काम चल रहा है। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मेन चीज ये होता है कि हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ लॉन्ग टाइम तक चलती है उसका ये चीज होता है कि हमारे यहाँ लोहे का स्ट्रक्चर, इतना लोहे आप कहीं भी कोई भी वीडियो में आपको नहीं दिखा पाएगा। बहुत सारे लोग 40-50 kg 1 क्विंटल लोहे लगा के जो है गाड़ी को बना देते हैं, जिसके चलते आप लोगों की गाड़ी जो है लॉन्ग लाइफ तक नहीं चल पाती है और आप लोग जो है इसके लिए परेशान हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मैं बता दूं आपको कि कहीं ना कहीं हम लोग की यही क्वालिटी है लोहे की स्ट्रक्चर जो हैवी हम लोग करके देते हैं, जिससे आप लोगों की गाड़ी जो है लॉन्ग टाइम तक चलती है। और ये मेन मजबूती है, यानी जड़ बोलते हैं इसे, इस जड़ से ही जो है सारा कुछ चलना है, सारा कुछ इसी से चलना है। और जो भी देख रहे हैं ना, ये जो भी है बिल्कुल नंबर वन काम होता है। जो गाड़ियां आई है ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बन के सब तैयार है और ये सब रथ होते के लिए। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। और अभी आप लोग ये जो गाड़ी वगैरह देख रहे हैं ना, ये कोई सेल में गाड़ी नहीं लगी, सारे रथ बनने के लिए गाड़ी लगी हुई है। और अभी आप लोग देख ही रहे हैं, देखिए सब पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, जो बुकिंग कोड होता है लोगों का, ये सब पे नंबर लगा हुआ है, कोड लगा हुआ है। और जो भी जो कस्टमर बुक करवा के गए हैं ये सारा नंबर जो है सब पे चढ़ा हुआ है, ये गाड़ी एक एक करके निकलता रहेगा। जी बिल्कुल।